है हमारा नॉर्मल दिख रहा होगा। और अब देखो इस तरह से मैंने पूरे के अंदर टेप लगा रखी। वीडियो में बताया कि व्यू पॉइंट तुम्हारा क्या अनबॉक्सर एक्स्ट्रा बैटरी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट्स अप YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। तुम्हें अभी कुछ नहीं नॉर्मल दिख रहा होगा, कोई मोशन ब्लर नहीं आ रहा होगा। नॉर्मल मैं अभी गोप्रो से शूट कर रहा हूँ 2.7K 60 FPS। तो मेरी वीडियोस में तुमने देखा होगा सबसे अलग थोड़ा एक चीज़ आती है कि मोशन ब्लर दिखता है। वो कैसे दिखता है, क्यों दिखता है, वो चीज़ मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेन हो गया मोशन ब्लर में अपना पूरा सेटअप दिखाने वाला हूँ तुम्हें और बाकी चीज़ें सब बताने वाला हूँ। YouTube शुरू करने से पहले तुम्हें क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाना कैसे है, तो ये चीज़ मैं तुम्हें सारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, एक एक पार्ट बहुत ज़रूरी होने वाला है इस वीडियो का। और अभी तुम्हें बताऊँगा आगे जाके मोशन ब्लर कैसे आता है ट्रैफिक से निकलते एक बारी। हाँ तो गाइस, मैं बात कर रहा था मोशन ब्लर की, बहुत गंदे ट्रैफिक से अभी हम निकले हैं तो अभी तुम्हें मोशन ब्लर नहीं दिख रहा होगा। तो स्विच किया जाए मोशन ब्लर पे, नहीं तुम्हें रुक के मैं दिखाऊंगा, कोई ट्रांजिशन नहीं ब्रो। ये वीडियो तुम्हें मैं अच्छे से बताने वाला हूँ हर एक चीज़ इन डिटेल। तो अभी रुकते हैं, गोप्रो की सेटिंग चेंज करता हूँ और तुम्हें बता दो क्या मैजिक है जिससे वो मोशन ब्लर आता है। तो भाई सीन ऐसा है, अभी तुम्हें दिख रहा होगा ज़्यादा एक्सपोज आ रही है इमेज, तो सामने तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ रखा हुआ अभी दिख रहा होगा। तो ये है मेन चीज़ जिससे हमारा मोशन ब्लर आता है, ND फिल्टर्स। इनकी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। जब भी हम सेट करते हैं शटर और FPS, उसके बारे में भी तुम्हें रुक के अभी बताऊंगा। पहले तुम देखो मैजिक, ये है हमारा नॉर्मल दिख रहा होगा और अब देखो हो गया बिल्कुल साफ क्लियर, कोई ओवर एक्सपोज नहीं। तो ये होता है खाली इसी चीज़ के लिए। तो अब इसको सेट करते हैं, अब देखते हैं चला के। अभी तुमने देखा बिना मोशन ब्लर के, अब तुम देखोगे मोशन ब्लर। तो लेट्स गो, ग्लव्स खुला रह गया मेरा, ठीक है। GT के पटाखे तो OP भाई। तो अब बताना मोशन ब्लर कैसा लग रहा है। तो ये एक मैजिक है छोटा सा जिससे मोशन ब्लर आता है। और देखो मैं ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ यार, बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि YouTube पे इतना कंपटीशन है। देखो बुरा मत मानना किसी को, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई ख़राब कर रहा है क्या कर रहा है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ। लोग फ़ोन से शुरू करते हैं, अच्छी बात है, पैशन है भाई, कर रहे हैं फ़ोन से, कोई बात नहीं करो। पर जितना जल्दी हो सके GoPro सबसे पहले ले लो, क्योंकि लोग पसंद क्या करते हैं YouTube पे देखना, ये एंगल, ये जो इतना परफेक्ट मेरा एंगल आता है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सेम वही चीज़ दोबारा बोल रहा हूँ। JS फिल्म्स को देख लो तुम, मुझे पर्सनली उनका एंगल अच्छा नहीं लगता, उनका एंगल यूँ आता है, शायद मैं सही दिखा रहा हूँ तुम्हें, तो ये व्यू नहीं आता उनका, जो रोड भी दिखे और बाइक भी दिखे तभी तो मतलब बंदा अच्छा POV इंजॉय कर पाएगा। तो ये जो POV आता है ना, ये सबसे ज़रूरी है पहले तुम्हारे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। अब तुम फ़ोन से कर रहे हो, किस चीज़ से कर रहे हो वो तुम पे डिपेंड है, पर ये जो एंगल आ रहा है ये ज़रूर से आना चाहिए इतना कि आधी बाइक आ रही है, देखो मेरा वेलवेट दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ तक, और उसके ऊपर फिर तुम्हें आगे का वो भी दिख रहा होगा। तो बंदे को POV ये आना चाहिए कि भाई मैं ही चला रहा हूँ बैठ के। तो मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि यार जब तुम चलाते हो तो ऐसा लगता है कि हम खुद ही चला रहे हैं, तो ऐसा सीन होना चाहिए, तब तो कुछ मज़ा भी आता है यार ब्लॉगिंग का। GoPro का सबसे मेन चीज़ एंगल, तुम्हारा एंगल अच्छा हो ना तो बहुत चीज़ें चल जाती है YouTube पे। YouTube पे लोग दो ही चीज़ मांगते हैं, वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी, ये तुम्हारी दो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। बंदे यार एंजॉय करते हैं ये सब चीज़ें देखना कि बंदे की आवाज़ हमें साफ आ रही है, और उसकी वीडियो क्वालिटी, मतलब जो कंटेंट क्रिएटर सबसे टॉप पे है ना, उनसे कहीं 1% कम बना लो तो चल जाएगा, पर अगर वो 10% कहीं उनसे कम होती है क्वालिटी ड्रॉप, तो क्यों चलेगा तुम्हारा कंटेंट। चल गया बाई चांस, लक है, चल गया एक वीडियो पर रीच आ गई, फिर सब पे नहीं आएगी ना बात, वो है ना कि एक वीडियो पे रीच आ गई, तुमने कुछ ऐसा एकदम सबसे हटके कंटेंट बना दिया, उसमें चलो वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो है फिर भी वो चल गया, पर सब वीडियोस पे रीच नहीं आएगी, क्या फ़ायदा उस रीच का एक वीडियो पे आने से खाली। तो वीडियोस ऐसी बनाओ क्वालिटी एक नंबर रहनी चाहिए, सब चीज़ हटाओ। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम YouTube पे खर्च कर रहे हो तो उसको ये मत बोलो कि मैंने पैसे खर्च कर दिए, कि उड़ा दिए मैंने पैसे, कि GoPro ले लिया, ये ले लिया, मैं पैसे उड़ा रहा हूँ, नहीं ब्रो, तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सब चीज़ें वापस आने वाली है YouTube से, अगर तुम रेगुलर रहते हो तब की बात है। बाकी अभी मैं फुल टाइम YouTube ही कर रहा हूँ जैसे तुम लोगों को पता है, तो वीडियोज़ वगैरह अभी थोड़ा टाइम से आ रही है, और ट्राई करेंगी जल्दी जल्दी वीडियोज़ आए, अभी भी थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी। मोटो ब्लॉगिंग के लिए कुछ चीज़ें बेसिक रहनी चाहिए तुम्हारे पास, एक GoPro। फ़ोन से यार करने वालों की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई हेट नहीं दे रहा हूँ उन लोगों को,
पर मुझे पर्सनली यार मैं किसी की फ़ोन से देखता हूँ तो वो चीज़ बिल्कुल फील ही नहीं होती है यार। मोटो ब्लॉगिंग कर रहा है कोई बंदा, ऐसा लगता है ज़बरदस्ती टाइम पास कर रहा है। माना वो मेहनत करते हैं, मेहनत करके एडिट करते हैं, पर कर रहे हो भी अच्छी बात है। जल्दी स्विच कर लेना गोप्रो पे, मैं यही रिकमेंड करूँगा तुम्हें। एक बार थोड़ा सा पुल लेके देखते बाइक पे, तो मोशन ब्लर अब अच्छे से आएगा, तुम्हें अच्छे से दिखेगा। प्यारा आ रहा होगा अभी, क्योंकि आज का मौसम हो रहा है थोड़ा बारिश वाला। ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सैटरडे को और तुम इसे देख रहे होंगे संडे को। तो गाइस अभी मैं एनडी फिल्टर हटा रहा हूँ इन 3, 2, 1। तो अब तुम देख रहे हो बिना एनडी फिल्टर के, तो अब बताना कितना फ़र्क पड़ गया है वीडियो क्वालिटी में। और थोड़ा ओवर एक्सपोज लग रहा होगा तुम्हें क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा आ रहा है। मुझे खुद वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है, बड़ी अजीब सी लग रही है देखने में, तो चेंज करते हैं, एनडी दोबारा लगाते हैं। अभी हमें एनडी फिल्टर के साथ दोबारा ये वाला व्यू ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा पसंद है मुझे। हेलमेट में सबसे मेन चीज़ भी एक और है, तुम माइक महंगा ले लो पर अगर तुमने माइक प्लेसमेंट सही नहीं करी तो कोई फ़ायदा नहीं है माइक महंगा भी लेने का। एंड ये सूदिंग पटाखों वाली आवाज़ क्या ही प्यारी लगती है अपनी जीटी में, क्या मज़ा आता है इसमें। रुकते हैं यहाँ पे, एक बार सारी चीज़ें तुम्हें खोल के अच्छे से अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। लकड़ी पड़ी थी यार, हो जाता है कभी कभी, मैं थोड़ा ज़्यादा फ्लो में चला गया था। रेड वेलवेट कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है यहाँ पे खड़ी हुई, बहुत अभी थोड़ी गंदी हो रखी है, तुम्हें नहीं दिख रही होगी इतनी ज़्यादा, पर मुझे टायर भी गंदे लग रहे हैं, हर चीज़ की गंदी गंदी दिख रही है। तो खोलते अपना बैग जो हमेशा हम साथ में लेके चलते और दिखाता हूँ तुम्हें सब चीज़ें। अब स्विच करते हैं फ़ोन पे। आज का मौसम बड़ा प्यारा है, बादल देखो ऊपर कितने ही ज़्यादा प्यारे हो रखे हैं। और सामने कोई सोसाइटी है ये, और यहाँ हम थोड़े जंगल में आके खड़े हो गए थे शूट करने के लिए, थोड़ी आवाज़ वगैरह कम आए। तो अभी खोलते हैं अपना बैग और दिखाते हैं। और देखो अभी तक हमारा GoPro ऑन रखा हुआ है, तो एनडी के साथ कुछ ऐसा दिखता है हमारा पूरा सेटअप। इस सेटअप को भी पूरा चीज़ तुम्हें बताऊँगा क्या क्या मैंने लगा रखा है, कहाँ पर क्या है। इसको बंद कर देते हैं। मेन सबसे पहले आता है हमारा हेलमेट, और इस पर GoPro लगाने के लिए तुम्हें सबसे पहले चाहिए ये वाला माउंट, जिस पे तुम्हारा ये पूरा जो GoPro वाला माउंट है टिक जाएगा। इसको निकाल के एक बार तुम्हें पूरा दिखाता हूँ मैंने कैसे कैसे लगा रखा है। तो मेन ये वाला माउंट है ब्लू आर्मर का, जो मैंने अमेजन से मंगाया था, मैं इसकी लिंक में नीचे डाल दूंगा, तुम्हें लेना तो तुम ले सकते हो वहाँ से। ये मैंने कुछ नहीं करा है, खाली इस पर 3M की टेप आती है वही लगी है, उससे रुका हुआ है, एक साल से ज़्यादा हो गया है, कहीं गया नहीं है, ज़रा सा भी कहीं हिलता भी नहीं है। अगर तुम इसे हिलाओ कोई मूवमेंट नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। बाकी मैंने देखा है बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं वो यही यूज़ करते हैं, जेस फिल्म्स हो गए, उनका देख के मैंने मंगाया था, यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, बहुत सही चीज़ है, कुछ नहीं हिलता है GoPro इसमें, बिल्कुल एकदम स्टेबल रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा मेन, ये जो चीज़ थी सबसे मेन चीज़ आती है, ये हेलमेट पैसे लगे हो, ये वाला जो तुम्हारा एंगल है, जो मैंने तुम्हें पहले वीडियो में बताया कि व्यू पॉइंट तुम्हारा क्या रहना चाहिए, जो मेरा रहता है वैसा ट्राई करो रखने की, आधी बाइक दिखे और ज़्यादातर पूरी रोड भी दिखे। तो मेन चीज़ सबसे पहले यही है, इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो मैंने ये इस तरह से कुछ सेटअप कर रखा है, एक इसमें लगा रखा है, दो माउंट है ये, तुम कहीं से भी तुम चांदनी चौक वगैरह से लोगे वहीं से मिल जाएंगे तुम्हें। तो एक ही यहाँ पे लगेगा, एक ही मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे माउंट, इसको सीधा रखने की। और जो मेन GoPro की मूवमेंट होती है ऊपर नीचे करने की, वो इस वाले से होती है, ये वाला फिक्स रहता है यहीं पर, बिल्कुल GoPro पीछे करके यहाँ पे लगा दो और ये वाला फिक्स रहता है। तो ये मेरा एंगल ऐसा है, हर बाइक पे चल जाता है, प्लग एंड प्ले एकदम सीधा, कुछ नहीं करना, कोई तुम्हें सेट नहीं करना, मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। तो मेरी जीटी पे यहीं चलता है, डोमिनार पे यहीं चलता है, और बाकी बाइकों पे मैंने ट्राई किया है तो उन पे भी सेम ही जगह चलता है। तो ये यूनिवर्सल हो रखा है मेरे लिए तो अभी फिलहाल, तो इसको लगाते हैं इस पर। तो यही चीज़ है जो मैं तुम्हें बता रहा था, और थोड़ी आवाज़ को इग्नोर करना, बाहर की आवाज़ें ज़्यादा आ रही होगी। अभी मैं अपना माइक कनेक्ट नहीं कर सकता अपने फ़ोन से, जो मेरा एक्सटर्नल माइक है उसके बारे में तुम्हें बताऊँगा कि मैं कौन सा एक्सटर्नल माइक यूज़ करता हूँ। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, कुछ नहीं करना है, खोला और ऐसे लगाया और बस फिक्स हो गया काम। ये हमारा माइक का तार है, तो माइक भी एक बार दिखा देता हूँ मैं अंदर से, जो मैंने इस पैडिंग के अंदर लगा रखा है। बाकी माइकों में क्या होता है, तार बहुत लंबा आता है, 5 से 6 मतलब मीटर का मुझे पता नहीं कितना आता है, पर इतना आता है कि इसमें बहुत बार हमें अंदर घुमाना पड़ता है, ऐसा सीन होता है। पर मेरे पास अभी रोड का माइक है,
तो रोड का माइक 1 मीटर का आता है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ लगाना उसको अंदर अंदर पैडिंग में, पैडिंग में खोल के दिखाता हूँ। तो गाइस कुछ ऐसा दिखता है सेटअप जो माइक का मैं तुम्हें बता रहा था, हेलमेट को रखते हैं और तुम एक बार पैडिंग खोल के दिखाता हूँ मैंने माइक लगा कैसे रखा है। और एक्चुअल मतलब होता यह है माइक खरीदने से पहले अच्छा तुम्हें उसकी प्लेसमेंट करनी आनी चाहिए इसके अंदर, तो शायद ये खुल जाए। हेलमेट थोड़ा गंदा हो जाएगा, कोई बात नहीं साफ़ कर लेंगे घर जाके पूरा क्लिप आउट करके, तो वो तुम्हें दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने पूरे के अंदर टेप लगा रखी है, टेपिंग हो के ये रुका हुआ है अपनी जगह पे, तो उसको बहुत ध्यान से टेप लगाना कि कहीं भी इसमें कर्व ना आए, ज़्यादा बैंड ना आए, कि माइक तुम्हारा ख़राब ना हो। तो पूरे हेलमेट के अंदर ऐसे ही मैंने टेप लगा रखी है। और जो दूसरे माइक होते हैं उनका वायर होता है ज़्यादा लंबा, पर रोड वाला ये है तो इसका 1 मीटर का वायर होता है, तो एक या दो बारी में ऐसे ख़त्म हो जाता है, तो ज़्यादा झंझट नहीं पड़ता माइक को लगाने का। और सबसे मेन चीज़ है विंड ब्लास्ट के लिए माइक प्लेसमेंट, मैं रखता हूँ थोड़ा सा पीछे, मतलब पैडिंग यहाँ पे ख़त्म होती है तो मैं यहाँ पे माइक रखता हूँ अंदर बिल्कुल, कि इस तक हवा जा ही ना पाए, पर फिर भी थोड़ी बहुत विंड ब्लास्ट तो आती है, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी प्लेसमेंट देख लो कहीं भी जहाँ तुम्हें सही लगे। तो एक मोटर ब्लॉगर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा है भाई, दोबारा लगानी पड़ेगी, बहुत डिफ़िकल्ट है भाई इसको लगाना, टास्क है। थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है और मैं हुडी पहन के आ गया, यही कर सकते हैं, दिस इज़ लाइफ ब्रो। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जब ये तुम क्लिप कर रहे हो, हेलमेट की पैडिंग अंदर क्लिप होती है, तो माइक का तार बीच में ना आके दब के कट जाए, ऐसा वाला सीन रहता है। माइक लगाने का तरीका, तुम्हें कैसे लगाना है, विंड ब्लास्ट तुम्हें बार बार चेक करना पड़ेगा पोजीशन सेट करके अपनी। और ये तुम देख सकते हो माइक दिख रहा होगा तुम्हें, रोड का माइक है। इसमें होता ये है, ये दो जो तुम रिंग देख रहे हो ये TRS कनेक्टर की है, जो GoPro होते हैं नॉर्मल कोई भी बेसिक कैमरा होता है उसमें TRS लगता है, सब में ज़्यादातर कैमरा में TRS लगता है, फ़ोन में TRRS लगता है। TRRS होता क्या है, ये दो रिंग तुम्हें दिख रही होगी, इसमें 3 रिंग होती है, तो काफ़ी सारे माइक ऐसे भी होते हैं कि TRRS आते हैं 3 रिंग वाले, फिर एक कन्वर्टर लेना पड़ता है तुम्हें अलग से कि उसे तुम TRS करो TRRS, तो TRS आता है एक कन्वर्टर, पर इसमें ज़रूरत नहीं है, रोड है तो इसमें पहले से TRS आता है। कोडक का माइक आता है जो मैं पहले यूज़ करता था, तो कोडक का माइक है, मैं उसके अलग से एक फ़ोटो डाल रहा हूँ, वो भी TRS आता है, तो वो भी तुम ले सकते हो। शुरू के लिए वो माइक अच्छा है, 1000 रुपये के अराउंड आता है, तो 1000 रुपये तुम इन्वेस्ट कर सकते हो रोड अगर तुम्हारा अभी लेने का बजट नहीं है। और मीडियम मोड लगाने की बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि मुझे अपना सेटअप चाहिए क्लीन थोड़ा, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं उलानजी का माउंट लगाते हैं, उसके नीचे एक अडेप्टर लगाते हैं, फिर अलग से फिर उसमें अलग से माइक का तार लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा सा सेटअप हो जाता है, अजीब सा। मुझे अच्छा लगता है, ये इतना बुरा नहीं लगता है, देखो कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है सेटअप, इसलिए मैंने प्रेफर करा था मीडियम मोड लेना, थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा एक बारी, पर ठीक है सेटअप अच्छा भी तो लगे कम से कम। बाकी उसके बाद आते हैं मेन चीज़ तुम्हें सेटअप के लिए क्या चाहिए, GoPro के अंदर एक बैटरी पहले से आती है, उसके बाद तुम्हें चाहिए ये बॉक्स नहीं, मेन चीज़ चाहिए तुम्हें बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरीज लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिनिमम तुम्हें एक एक्स्ट्रा बैटरी तो लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा, पूरा दिन भी अगर तुम बाहर रहते हो तो एक बैटरी से काम नहीं होता है, पूरा दिन का व्लॉग तुम्हारा 2 बैटरी ले जाता है। तो एक बॉक्स है ये वाला, ये चार्जिंग के लिए खाली अलग से मैंने लिया है कि ये इनको चार्ज कर पाए। बाकी उसके बाद जो मेरा तुम नीचे वाला एंगल देखते हो गियर वाला, वो इससे आता है, ये वाला अमाउंट 2-3 है, तो इसको नीचे लगा के वहाँ पे उस जगह पे लगा के यहाँ वाला एंगल ले लेते हैं, तो इसको भी मैं अभी स्विच करना सोच रहा हूँ, ये प्लास्टिक का है। बाकी उसके बाद ये आते हैं ND फिल्टर्स जो तुम्हें दिख रहे होंगे, ये मेरी वीडियो में मैंने पहले भी डाले थे तुमने देखा हो तो CPL ND8 ND32 और हमारे पास यहाँ पे है ND16 जो जिससे भी तुमने वीडियो देखी जिससे मैं शूट कर रहा था। इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल फिट है ND, ऐसे करो और लगा दो, ये हो गया फिक्स। इसको थोड़ा साफ़ कर लेना, मतलब लगाने से पहले, अभी तो गंदा हो गया, तो ऐसे फिक्स करा। और GoPro की सेटिंग जो है मैं साइड में डाल रहा हूँ, ND फिल्टर यूज़ करने के लिए अलग से सेटिंग यूज़ होती है। होता क्या है, ND फिल्टर क्या करता है, ओवर एक्सपोज होने से बचाता है इमेज को, जब तुम शटर सेट करते हो FPS सेट करते हो तो इमेज हो जाती है ओवर एक्सपोज, मोशन ब्लर तब भी आएगा, पर ये खाली करता है जो एक्स्ट्रा लाइट होती है जो ओवर एक्सपोज कर रही होती है इमेज को, उसको कम करता है, क्योंकि थोड़ा ब्लैक है तो तुम सोच सकते हो वही ब्लैक टिंट हो गए, थोड़ा इस तरह से कुछ काम करता है ND फिल्टर। बाकी टाइम के हिसाब से अलग ND फिल्टर यूज़ होता है, कि ND8 थोड़ा कम डार्क है, 16 थोड़ा ज़्यादा डार्क है, 32 सबसे ज़्यादा डार्क है, तो बिल्कुल जब सनलाइट होती है तो 32 यूज़ होता है, थोड़ी कम होती है 16-8। फिर आता है CPL फिल्टर, यही है यार मोटर व्लॉगिंग सेटअप पे हमारा ज़्यादा कुछ अभी है नहीं, ज़्यादा कुछ ऐड किया भी नहीं है। बाकी अभी जिससे मैं शूट कर रहा हूँ अपना फ़ोन 13 प्रो, और दिखा देता हूँ जिस पे लगा है अभी स्टैंड पे, तो मैंने इससे उतारा, ये लगा था इस पे, तो ये मैंने लिया था, ये काफ़ी सही चीज़ है मेरे हिसाब से, तो मुझे काफ़ी सही लगी, इसे तुम ट्राईपॉड की तरह यूज़ भी कर सकते हो, तो इसमें फ़ोन लगा सकते हो इजीली। फ़ोन के अलावा ऊपर से एक स्लॉट है ये वाला, एक मैं माइक यूज़ करता हूँ बोया का, मतलब इसे तो मैं काफ़ी कम यूज़ करता हूँ क्योंकि इतना अच्छा नहीं है, मैं प्रेफर नहीं करूँगा तुम्हें लेना, तो कुछ इस तरह से एक काम करता है, इसके ऊपर ऐसे लगाया
ऐसे सेटअप तुम्हारा बन गया और यहाँ पे अपना फ़ोन लगाओ और मस्त रिकॉर्डिंग करो। बाकी अगर तुम्हें इस पे बड़ा वाला कैमरा लगाना है तो वो भी सपोर्ट करता है। इसको हटाओ, ये हटाया और इस तरह से बंद करा और यहाँ तुम अपना कैमरा लगा सकते हो और कैमरे से भी व्लॉगिंग कर सकते हो। तो ऑल इन वन है, सब चीज़ के लिए काम आता है। ये चीज़ ट्राइपॉड की तरह यूज़ भी करते हैं। मेरी जो इंस्टा पे रील्स है वो तुम जाके देख सकते हो, जो भी वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट वाली, तो वो भी मैंने इसी से शूट करी थी। और पीछे का व्यू तुम देख सकते हो कैसा है, बड़ा सेक्सी हमने जगह ढूंढी है लोकेशन खाली वीडियो बनाने के लिए। और आज का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो रहा है। बाकी तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स डाली है, साइड में डाल रहा हूँ, देखना। जो ये ब्लर आता है, मोशन ब्लर आता है, ये जो फोटोज़ हमने डाले हैं, पोस्ट करे हैं, ये हमने वीडियोज़ के बीच में से उठाए हैं। वीडियो के बीच में से जहाँ भी हमें क्लियर लगता है फ्रेम, वहाँ का स्क्रीनशॉट लेके और थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है, कलर करेक्शन करनी पड़ती है, और ये इस तरह से कुछ निकल के आते हैं। साइड में तुम देख रहे हो कि कैसा आ रहा है। तो ऐसा वाला सीन है एनडी फिल्टर्स के साथ, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, गोप्रो लो, एनडी फिल्टर लो। सीन ऐसा होता है, बंदे स्टार्ट करते हैं, अच्छी बात है स्टार्ट कर रहे हो तुम यूट्यूब, फ़ोन से मत करो। फ़ोन भी अगर तुम्हारे पास होता है, मैं खुद फ़ोन से अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये फ़ोन का कैमरा मुझे ठीक लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता है। मैं जल्दी ही DSLR पे स्विच करने वाला हूँ, जैसे ही थोड़े पैसे आएंगे ना, यू नो मनी थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है उस चीज़ में, तो जैसे ही मेरे पास DSLR आएगा तो फिर देखना तुम वीडियो क्वालिटी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। और एक जो शॉटगन माइक आता है, जो मैंने अभी तुम्हें माइक दिखाया, वो भी शॉटगन माइक है, पर वो बोया का है, वो बहुत सस्ता था, 1000 या 1500 रुपए का था। उसके बाद आता है एक रोड का माइक, जो शॉटगन माइक, वो भी सेम ऐसे ही आता है, दिखने में सेम रहेगा पर वो थोड़ा सा ज़्यादा 6-7 हज़ार का है। तो वो भी लेंगे, सब चीज़ें इंप्रूव करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले मेन चीज़ अगर तुम्हें स्टार्ट करना है, एक GoPro हीरो 7 उठा लो, कहीं से उठा लो, हीरो 7 सबसे बेस्ट है आज भी, मुझे बहुत सही लगता है। मैं खुद हीरो 7 ढूंढ रहा हूँ, मुझे सेकेंडरी कैमरा मिल जाए, हीरो 7 भी उठा लोगे, उससे भी स्टार्ट करोगे तो तब भी सही है। फ़ोन वगैरह से छोड़ दो करना, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में होगा, तुम 1-2 साल तो मेहनत ही करते रह जाओगे। ऐसा है, GoPro उठाओ यार, इन्वेस्टमेंट करो, EMI पे उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, EMI पे ले लो, GoPro कहीं भी मिल जाएगा, कैसे भी जुगाड़ करो, GoPro उठाओ, इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है, खर्चा मत लेके चलना, इन्वेस्टमेंट है। तुम जो भी करोगे सही से करो काम को। वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सबसे बेस्ट रहनी चाहिए, उसके बाद ही तुम्हें रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। तो कुछ कंटेंट क्रिएटर है अपने, कार्तिक कस्टम हो गए, उनकी तो वीडियो क्वालिटी अलग ही लेवल पे रहती है भाई। GS Films हो गए, उनकी तो प्रोडक्शन क्वालिटी कहाँ ही चली गई है, ड्रोन शॉट ये सब पता नहीं क्या क्या चीज़ें रहती है। तो इन सबको देखो, थोड़ा इंस्पायर हो लोगों से। अपनी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले जाओ और दूसरों के वीडियोस देखो, फिर एनालाइज करो उन्होंने क्या करा है और तुम अपनी तरफ से क्या क्या कर सकते हो चीज़ें उसमें। अगर वो ऐसा शॉट ले रहे तो तुम भी ऐसा ट्राई करो लेने का। अब लोगों की वीडियोस जाओ रिव्यू करो पहले अपनी वीडियो बनाने, मैं खुद यही करता हूँ, मैं अपनी वीडियो बनाने से पहले 2-3 वीडियोस देख के जाता हूँ, जो अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर, जिनका क्वालिटी कंटेंट है, तो मैं ट्राई करता हूँ उनकी तरह करने की, उनसे आइडियाज़ लेता हूँ, खुद के फिर आइडियाज़ अलग बनाता हूँ कि तुम्हें भी क्वालिटी कंटेंट मिल पाए। अगर तुम उनके वीडियोज़ इन्जॉय कर रहे हो तो मेरे भी करोगे ना। अगर मैं उनसे भी बिल्कुल एकदम डाउन क्वालिटी बनाऊँगा, तुम फिर क्यों ही देखोगे मेरी वीडियो, तुम प्रेफर करोगे ना उन्हें देखना। अगर मैं उनके सेम बराबर या थोड़ी बहुत कम जैसी भी बना रहा हो तो तुम मेरी भी देखोगे, ऐसा वाला सीन होता है यूट्यूब पे। तो मेरा मानना यही है, बाकी सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। देखो एक अभी चलते हैं बाइक पे, थोड़ा सा एक छोटा सा राउंड मार के आते हैं यहाँ का, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा प्यारी है और आज का मौसम कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है। तुम्हें दिख रहा होगा पीछे बादल ही बादल है। और मैं कुछ चीज़ ऐड करना भूल गया, जैसे कि ये मेरे पास पूरा बॉक्स है, इसमें एक्स्ट्रा माउंट वगैरह पड़े रहते हैं मेरे, जो मैं यहाँ से वर्टिकल शूट करता हूँ, तुम रील्स वगैरह देखा वो इंस्टा पे, और कभी कभी हेलमेट पे लगा के वर्टिकल माउंट अलग से बनाना पड़ता है। ये जो सब तुम्हें दिख रहे होंगे, इन सबको जोड़ के इसके अंदर और स्क्रूज लगा के तो लगाना पड़ता है। नीचे लिंक डाल रहा हूँ हर एक चीज़ की, जो जो अमेज़न पे अवेलेबल है, जो तुम्हें खरीदना है तुम वहाँ से खरीद सकते हो। ND हो गया, ये शॉटगन माइक हो गया, और तुम्हारा रोड का माइक हो गया, GoPro, सब चीज़ की मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, तुम ज़रूर वहाँ से ले सकते हो ये सब चीज़ें। जाके चलते एक बार, निकालते अपनी रेड वेलवेट को और फायर करते अपनी रेड वेलवेट को। पिछली वीडियो तुमने नहीं देखी है इनकी रेड रोस्टर की, तुम ऊपर जाके देख सकते हो, लिंक मैं डाल रहा हूँ की आवाज़ नॉइस क्रैकल्स ब्रो। तो लेके चलते हैं बाइक को। तो देखो गाइस, मैंने कुछ वीडियो में गलत बोल दिया, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता था, मैं किसी का कंटेंट ख़राब नहीं बोल रहा था या कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ भी तुम्हारे क्वेश्चन हो DM मी ऑन Instagram, सब के रिप्लाई करता हूँ मैं, ऐसा सच बोल रहा हूँ, मैं सब के रिप्लाई करता हूँ। तो जाओ DM करो इंस्टा पे, कुछ भी क्वेश्चन हो सब मेरे से पूछो, सबका रिप्लाई आएगा। और बाकी तुम चाहो तो कमेंट में भी पूछ सकते हो, कमेंट का भी मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, ऐसा वाला सीन है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राइड हार्ट राइड सेफ ब्रदर।